नहमदल अला रसूल करीम अम्माबात मज्ज़ महतरम सामा इकराम दिनी और इस्लामी भाइयों आज के इस दरस में हम इन शस्करा करेंगे हमजला उसीदी रज़ी त्यान के ईमान की अजमत का उनका ईमान किस कदर मजबूत था और उनको अपने ईमान के बारे में कितनी फिक्र रहा करती थी सही मुस्लिम की रवायत है हदीस नंबर दो हज़ार सात सौ पचास रावी हदीस हमजल सैदी रज़ील तहु हैं वो बयान करते हैं कन्न रसूल सल्लास एक दिन का वाक़ है कि हम लोग महमद रसूल सल वसम के पास बैठे हुए थे अल्लाह के पैम्बर ने उस सजलिस में हमें वास फ़रमाया फवा अजाना फजा बाज रवायतों में है जन्नत का भी जिक्र किया और जहन्नम का भी तस्करा फरमाया उसके बाद बयान करते हैं सुम मजी तो मजीतलबी जब मैं उस मजलिस में शरीक हुआ और मैंने मोहम्मद रसोल वसलम की ज़ुबान से वाज सुना तो मेरे दिल की कैफियत ही चेंज हो गई मेरा दिल ईमान की आजमत से भर गया अल्लाह के खौब से भर गया उसके बाद जब मैं घर गया घर जाते ही हालात चेंज हो गए घर पहुंचकर मैं अपने बच्चों से हंसी मजाक करने लगा अपनी बीवी से दिल लगी और खेल कूद करने लगा उसके बाद मैं घर से बाहर निकला बाज रवायतों में तिरमीजी की रवायत में रोने का तस्करा है रोते हुए घर से बाहर निकला ये मेरे साथ क्या हो रहा है मोहम्मद वसल्लम की मदलिस में था तो मेरा ईमान किस क्वालिटी का था मेरे ईमान की अजमत क्या थी मेरे ईमान की हालत क्या थी मेरे ईमान की हरारत कैसी थी लेकिन जब मैं घर में गया थोड़ी देर के बाद वो हालत तब्दील हो गई अब उस तरह का ईमान महसूस नहीं कर रहा हूँ फिर मज़ी की रवायत में है कि रोते हुए बाहर निकले रो रहे थे बाकायदा बेसाख्ता रो रहे थे कि कहीं मुनाफिक तो नहीं हो गया कहीं मेरा ईमान बर्बाद तो नहीं हो गया बाहर निकले रोते हुए अबू बकर सिद्दीक बकरी रजिल्लु तारन से मुलाकात हो गई फ़दा कर तो दाकहू ये वाक़ उनसे बयान किया अबू बकर सिद्दीक रजाल्ला तारा से कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है अल्लाह के पैगम्बर की मजलिस में जब शरीक था आपका जब वाज सुना था उस वक्त ईमान की कुछ और कैफियत थी घर में पहुँचते ही मैं बच्चों से हंसी मज़ाक करने लगा बीवी से दिल लगी करने लगा ईमान की वो कुव्वत और ईमान की वो गर्मी बाकी ना रही अबू बकर सिद्दीक रज़ी तारन ने जवाब में कहा जैसे तुम्हारा मामला है वैसे मेरा भी मामला है जैसे तुम घर जा कर के बीवी बच्चों में मशगूल हो जाते हो बच्चों से हसीम मजाक करने लगते हो अना कदफाल तो मिसल तस्कुर जिस तरह तुमने कैफियत अपनी बयान की है ना वही मेरी भी कैफियत होती है फ़लक़ी रसूल अल्लाह वसलम उसके बाद बयान करते हैं कि हम दोनों गए मोहम्मद और रसोल वसम के पास वहां जब पहुंचे मोहम्मद रसोलम के पास हंजला रजील बयान करते हैं वो रो रहे थे अल्लाह के पैगम्बर से अर्ज किया अल्लाह के पैगम्बर या रसूल हंजला तो अल्लाह के रसूल सल्म ये हंजला मुनाफिक हो गया मोहम्मद रसोलम ने जवाब में फरमाया माह छोड़ो ये कैसी बातें कर रहे हो ये सब तुम क्या बोल रहे हो तुम किस तरह की बात कर रहे हो उन्होंने पूरा वाक़ बयान किया कहा कि आपके मदलिस में रहते हैं आपका वाज सुनते हैं आपकी नसीहत सुनते हैं तो कुछ और कैफियत रहती है और घर पहुँच कर के हालात चेंज हो जाते हैं उसके बाद अब सिद्दीक रजील्ल्लु उन्होंने भी बयान किया कि मेरी भी यही हालत है मैं भी आपके पास जब सुनता हूं नसीहत और वाज तो मेरा ईमान बहुत बढ़ जाता है घर में जाकर बीवी बच्चों में मशगूल हो जाता हूं हंसी मजाक में खेल कूद में तो ईमान की कैफियत बाकी नहीं रहती मोहम्मद रसोल ने फरमाया लौकान तक कमा तक लसाफहतलमलाई का महम्मद रसोल ने फरमाया की मदलिसों में जब बैठते हो ना जिक्र की मदलसों में तुम्हारे ईमान की तो कैफियत होती है वही कैफियत अगर हमेशा बाकी रहे तो अल्लाह के फरिश्ते तुमसे मुसाफा करेंगे लसाफहतलमलाई का फरीक रास्तों में तुमको सलाम करके तुम सिर्फ अल्लाह के फरिश मुसाफा करेंगे इस हदीस से पता चलता है कि साहब कर अपने ईमान के बारे में किस कदर फिक्रमंद रहा करते थे कि हमारा ईमान कितना घटा है कितना बड़ा है कैफियत कितनी चेंज हुई है रमजान के महीने देखेंगे आप कितने लोगों को कितनी सारी ने करते हैं और जैसे ही शैतान आज़ाद हो जाता है रमज़ान का महीना चला जाता है किसी को भी अपने आमाल और ईमान पर गौर करने की तोफीक नहीं मिलती सोचते हैं रमज़ान गया तो ईमान भी चला गया इस हदीस से चंद बातें मालूम हुई पहली बात मालूम हुई हंजला सैदी रज़ील्तारण का ईमान किस कदर अजीम था थोड़ी कैफियत चेंज हुई तो रोने लगे कहने लगे कहीं मैं ईमान तो नहीं हो गया मेरा ईमान बर्बाद तो नहीं हो गया दूसरी बात यह मालूम हुई कि साहब इक्राम रज़ील्लाजमाइन अपने ईमान से किस कदर मोहब्बत करते थे ईमान का किस कदर जायजा लिया करते थे और तीसरी बात यह मालूम हुई कि ईमान की जो कैफियत है ना वो चेंज होती रहती हालात के एतबार से वास के मजलसों में रहेंगे तो ईमान ज़्यादा होगा बुरे लोगों के साथ जाएंगे तो ईमान चेंज हो जाएगा घर में जाएंगे तो ईमान की कैफियत बदल जाएगी इसलिए अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया हालात बदलते रहते हैं कभी कुछ वक्त रहता है कभी कुछ वक्त होता है और ईमान नेकियों से बढ़ता है कुरान के तलावत से कुरान का तर्जमा पढ़ने से ज़िक्र मजलिसों में शरीक होने से बढ़ता है और गुनाह से घर जाया करता है इसी तरह से इस हदीस से बात भी मालूम हुई कि साहब कराम रजवानजमाइन अपने बीवी बच्चों के साथ बड़े खुशगवार ताल्लक़ार रखते थे उनके तल्लुक़ महमद रसोलम के तरीक़े के मुताबिक अपने बीवी बच्चों के साथ बड़े खुशगवार हुआ करते थे घर पर हंसी मजाक बीवी बच्चों के साथ खुशतबी दिल लगी वगैरह ये उनका तरीका था और इसे वो मोहम्मद रसोल वसम की सुन्नत समझ के किया करते थे फिर भी उनको एहसास हुआ कि कहीं हमारा ईमान कमज़ोर तो नहीं हो गया अल्लाह से दुआ है कि रब्लमीन हम तमाम मुसलमानों को भी कदम कदम पे हर हर लमह हर हर घड़ी अपने ईमान का जायज़ा लेने और अपना एहतसाब करने की तोफीक अदा फरमा और ईमान के साथ मुहतरस फरमामी सल नबी करीमलमकूम वरह ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन खैरन